बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ये मटन टिक्का बिरयानी बनाई है, बहुत टेस्टी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलें शुरू करते हैं। ये हमने कुछ गर्म मसाला लिया है, ये साबुत गर्म मसाला है, जिसमें हमने 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 2 टुकड़े दालचीनी के, 6 से 7 दाने हमने लौंग के लिए हैं, 1/2 टीस्पून इसमें हम ब्लैक पेपर का इस्तेमाल करेंगे, 4 से 5 पीस जो हैं वो हम छोटी इलायची के वो शामिल करेंगे, और इस सारे मसाले को हम तवे पे भून के फिर पीस लेंगे और फिर इस शामिल करेंगे। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें हम लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून अदरक का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून इसमें हम पीसी लाल मिर्च वो शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून इसमें मैं नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून इसमें हम कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें हम चाट मसाले का वो शामिल करेंगे। इसके अलावा ये हमारे पास 1/2 प्याली दही है, 4 टेबलस्पून हमारे पास लेमन जूस है। सबसे पहले हम गोश्त को मसाला लगा लेंगे, अपने स्पाइसेस डाल देते हैं, लेमन जूस वो शामिल कर देंगे, लेमन जूस डालने के बाद इसमें हम 1 टेबलस्पून भर के सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट वो शामिल कर देंगे, जो हमारे पास दही है 1/2 प्याली वो भी इसमें हम शामिल कर देंगे। और जो मसाला हमने पीस के रखा है वो डाल देंगे। इसके अलावा 2 टेबलस्पून इसमें हम ओलिवन ऑयल वो डालेंगे और इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करके ओवरनाइट हम रख छोड़ेंगे। गोश्त हमारे पास तकरीबन 800 ग्राम है, ये हमने बोनलेस लिया है। इसमें 2 बड़े प्याज काट के हम वो शामिल कर देंगे और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट वो शामिल कर देते हैं और इसे भी हम भून लेंगे। ये देखिए लहसुन हमारा भून चुका है। अब हम इसमें 2 टमाटर और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें वो शामिल कर देंगे। जिस तरह चिकन क्यूब मिलते हैं इसी तरह मीट क्यूब्स भी मिलते हैं, इसमें हम 1 मीट क्यूब वो डाल देंगे। इसके अलावा इसमें हम 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला वो शामिल करेंगे। और जो मटन को हमने मसाला लगा के रखा है वो शामिल कर देंगे। इसमें हम तकरीबन 1 गिलास पानी डाल के इसे गलने के लिए रख देंगे। ये हमने 1 kg चावल लिए हैं, जिसमें हमने 1 लेमन काट के वो डाल दिया है। इसके अलावा इसमें हम 2 टीस्पून नमक के डालेंगे और चावल को बॉईल कर लेंगे। ये देखिए मीट हमारा गल चुका है, ये बोनलेस है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। इसे हमने अच्छे से भून लेना है। मटन को भूनने के बाद इसमें हम कोयले का धुआं वो देंगे। ये देखें इस तरह से हम फोलिया रखेंगे और कोयला गर्म करके वो हम इसमें रख देंगे।
इस कोयले के ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ढक्कन को रख देंगे। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखना, सिर्फ 30 सेकंड तक ही हम धुआं देंगे। अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अंदर मिक्स हो जाएगा। ये देखें, धुआं देने के बाद अब हम इसमें चावल शामिल कर देते हैं जो हमने बॉईल करके रखे थे। इस तरह से ऊपर से आप सारे चावल डाल दें। साथ ही हम ये धनिया डाल देंगे। इसके अलावा हमने कुछ चावल बचा के रखे थे, उसके ऊपर हमने ऑरेंज कलर लगा लिया है, वो भी इनके ऊपर ही डाल देंगे। और साथ ही हम इसके ऊपर ब्राउन प्याज हमारे पास तली हुई है वो डाल देंगे और इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे। ये देखें, बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है, बहुत टेस्टी बनती है, आप ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।